देख रहे हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर की सर्द रात थी, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सबसे बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड़ा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद से ही बड़बड़ाते हुए उठा। अब इतनी रात में मेरे अलावा और किसकी हिम्मत हो गई घर से बाहर निकलने की? फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, लगता है कोई राहगीर होगा साला जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का कोई आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। शंभू ने एक नजर दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल के घंटी की आवाज रह रहकर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भाई ओ रुक जाओ। मगर वो साइकिल वाला अपनी ही धुन में मगन चला जा रहा था। उसने हाथ में एक बड़ी टॉर्च पकड़ी हुई थी जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ चला गया जिस पर चलने की हिम्मत चकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पर था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया। वो हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई उस रास्ते पर मत जाओ, उधर खतरा है। लेकिन वो साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया। डर के कारण शंभू का नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर वो जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़ा, उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से उसके साइकिल की चैन उतर गई। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पर लगाकर चैन चढ़ाने लगा। तभी उस आदमी को कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने लगा और उसने खुद को उस बरगद के पेड़ के सामने पाया। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद उस आदमी को कुछ भी अंदेशा नहीं था, इसलिए उसने इस रास्ते पर किसी तरह उस आदमी ने साइकिल की चैन चढ़ाई और जैसे ही जल्दबाजी में वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में एकदम पास से एक मीठी आवाज गूंजी, कहाँ जा रहे हो? उस आवाज को सुनकर राहगीर एकदम सा ठिठक गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस वो राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और कोई आवाज आए तो पीछे ना मुड़े, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राहगीर वो पीछे से आई मीठी आवाज सुन पीछे पलटा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर वही मीठी आवाज आई, दक्ष मेरी बात तो सुनो। इस बार आवाज किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। अपना नाम सुनके दक्ष चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चकिया गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता था। वो उस आवाज की ओर बढ़ा, तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से छट गया। अपने सामने का नजारा देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली हो। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसने एक चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। घूंघट से आधा ढका उसका चांद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पर लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। तभी उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, देखो ना जाने कैसे मेरी साड़ी का हिस्सा पेड़ के धागे में फंस गया है, क्या तुम इसे निकाल दोगे?
उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती दक्ष को बेकाबू कर रही थी। वो उस औरत के काफी करीब आ गया था और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से छुड़ाने लगा। उसके इतने करीब होने के कारण दक्ष की धड़कनें तेज हो रखे थे। साड़ी छुड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। वो औरत गिरने को हुई कि तभी दक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दक्ष के हाथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही दक्ष ने उसकी साड़ी को धागों से आजाद कर दिया। वो औरत दक्ष के एकदम करीब आते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, इस बंधन से आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दक्ष की नीयत में खोट आ गया था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो औरत हल्के से मुस्कुराते हुए दक्ष के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम। दक्ष भी गहरी सांसें भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद जैसे चेहरे को देखना है। वो औरत बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, मेरी साड़ी तो तुमने पेड़ से आजाद करा ही दी, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आजाद कर दो। वो पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया उस औरत का चेहरा देख दक्ष के होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। दक्ष का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो एकदम से उस औरत के मोहपाश से बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रहस्यमय नजरों से दक्ष की तरफ देखा, फिर वो जोर से हंसने लगी। इधर शंभु, जो दक्ष को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ पड़ रहा था, एक दिल दहला देने वाली हंसी सुनके वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसकी नजर पहले दूर खड़े दक्ष पे गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पर, जिसे देख शंभु की कांपती हुई जुबान में से बस एक ही बात निकली, डायन आजाद हो गई। अगली सुबह गांव वालों को शंभु और दक्ष की लाश के टुकड़ों में बिखरी हुई मिली। पूरा गांव खौफ में आ गया और वो डायन वापस से आजाद हो गई, जो न जाने कितने सालों से उस बरगद के पेड़ में कैद थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बिहार ही नहीं, आज के समय में पूरे भारत में शिक्षा का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल की संख्या इतनी हो गई है कि हर गली मोहल्ले में कई स्कूल मिल जाते हैं। अब तो गांव में भी जगह जगह प्राइवेट स्कूल बन रहा था। गांव के लोग शहर के किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना गर्व की बात समझते थे। छपरा के एक सुदूर गांव में मेरा घर था। मेरे बाबूजी चाहते थे कि मैं भी गांव के दूसरे लड़कों की तरह शहर के किसी अच्छे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूं। इसलिए मेरी पढ़ाई छपरा के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहकर हुई थी। ये बात है उस समय की, जब मैं 11वीं में था। हम लोगों के हॉस्टल में क्लास वाइज ही रूम अलॉट किए गए थे। वैसे मैं शुरू से ही हॉस्टल में रहा था और अभी तक कई हॉस्टल बदल चुका था, इसलिए मुझे यहाँ कुछ अजीब सा अनुभव नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कुछ तो गलत है। शुरू से ही मुझे एक चीज खटक रही थी कि हॉस्टल में 10 कमरे खुले हुए थे, लेकिन 11वां कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। उस कमरे का रहस्य शुरू में तो मुझे पता चल नहीं पाया, लेकिन मैंने ये देखा कि एक साल के बाद एक बार उसका मकान मालिक आया और उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर, जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और उस ताले पर धागा लपेटा हुआ था, ऐसा मालूम होता था जैसे उस ताले को पूजा गया हो और पूजकर उस धागे को लपेट दिया गया हो। मैंने झांक कर देखा, मकान मालिक उस कमरे में पूजा पाठ कर रहा था और वहां 3 फोटो लगे हुए थे जिस पर वो हार बदल रहा था। मैंने सोचा कि आखिर ये 3 तस्वीरें हैं किसकी। वो पूजा करके बाहर जाने लगा,
तब मैंने देखा कि ताले तो वापस उसने वैसे ही लगा दिए हैं और उस पर लाल धागा लपेटकर कुछ मंत्र पढ़कर वहां से निकल गया। हॉस्टल के बाकी सभी लड़के भी ये सब देख रहे थे और मेरे मन में जो सवाल था वही शायद सबके मन में था। उसके जाने के बाद मैंने लोगों को उसी ताले और धागे के बारे में बातें करते सुना और बातों ही बातों में किसी ने कह दिया कि अगर हिम्मत है तो वह ताला खोल कर दिखा दो। फिर क्या, मैंने आप देखा ना ताव और उस ताले पर लपेटे हुए धागे को खोल दिया। ताला खोलने के बाद क्या क्या हो सकता है, इन सब बातों पर दिमाग घूमने लगा। फिर धीरे धीरे नींद आ गई। रात में नींद खुली, घड़ी में देखा तो 1:30 बज रहे थे। सोने की बहुत कोशिश की लेकिन अब नींद न जाने कहाँ गायब थी। अजीब अजीब डरावनी ख्याल आने लगे। आज तक जितनी भूत की कहानियां सुनी थी वो सब एक हॉरर फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगी। उठकर बोतल में से पानी पिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। तब मुझे लगा कि कुछ अजीब आवाज आ रही है। बहुत ध्यान देने पर लगा कि किसी का सोते हुए में नाक बज रहा है। रूम में उजाला करने के लिए मैंने जैसे ही लाइट के बटन पर हाथ लगाया बिजली गायब हो गई थी। मैंने सोचा अजीब मामला है, इस टाइम बिजली भी चली गई। शायद मैंने अपने तकिए के नीचे से टॉर्च निकाला। टॉर्च चलाकर मैंने कई बार देखा तो सब बड़े आराम से सो रहे थे। कोई भी मेरे आसपास ऐसा नहीं था जिसका नाक बज रहा हो। मैंने सोचा कि जरूर किसी दोस्त की शैतानी होगी, वो मुझे डराने के लिए शायद ऐसा कुछ कर रहा होगा। उसके बाद मैं सो गया। अचानक उसी समय मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा तो दीवार पर सफेद रंग के ताजमहल की तस्वीर दिख रही थी, जबकि मेरे कमरे में ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं थी। ये सिलसिला कई रात तक ऐसे ही चलता रहा। रोज लगभग 1 से 3 बजे के बीच में नींद खुल जाया करती और दीवार पर वही ताजमहल दिखाई देता। मैं बहुत डर गया था कि आखिर ये चीज है क्या और इसी वक्त मेरी नींद क्यों खुलती है, मेरे सपने से ताजमहल का क्या वास्ता है। एक दिन मैंने निश्चय किया कि आज देखते हैं क्या होता है। फिर अचानक उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। 1 से 3 बजे के बीच में मैं धीरे धीरे दीवार की तरफ गया जहां मुझे ताजमहल दिखाई दे रही थी। हिम्मत करके मैंने उस ताजमहल को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने वहां हाथ रखा, ये क्या, ताजमहल तो गायब था। मैं बहुत डर गया। अगले दिन मैंने पूरा वाक्या अपने दोस्त को बताया। उसने भी कहा, वैसे ही तू कोई सपना देख रहा होगा, कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा था ये मैं किसी को समझा नहीं पा रहा था और ना ही कोई समझ पा रहा था। मैं सोचने लगा, ये जो मेरे साथ हो रहा है कहीं उस ताले को छूने की वजह से तो नहीं हो रहा। आखिर उस ताले का रहस्य क्या था, उस पर जो धागा लपेटा हुआ था उसका रहस्य क्या था। क्या मैंने बातों ही बातों में अपने लिए कोई मुसीबत मोल ले ली। मैं यही सब सोचता रहता था और कई दिनों तक मुझे अजीब अजीब सपने आते रहे। और तो और मुझे बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। मगर धीरे धीरे करके ये सिलसिला कम हो गया और फिर खत्म हो गया। उस दिन के बाद से मैंने पापा को बोलकर वो हॉस्टल ही बदलवा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।